हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं झारखंड की तरफ से और एक भर्ती कैंप का सूचना आ रहा है, जो कि आप देख पा रहे हो। श्रम नियोजन परिषद एवं कौशल विकास जिला नियोजनालय पाकुड़ की तरफ से ये भर्ती कैंप का रोजगार मेला से रिलेटेड न्यूज है। रोजगार मेला दिसंबर 2023 का है। देखो सूचना 10:30 से 3:30 बजे तक लगेगा। कब लगेगा तो देख पा रहे हो आप लोग, तिथि 12 तारीख को लगेगा। ठीक है, देखो राज्य के बेरोजगार युवा युवतियों को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से श्रम नियोजन परिषद एवं कौशल विकास के तत्वाधान में एक दिवसीय दंडोपाध्याय रोजगार मेला का आयोजन इतना इतना को मंगलवार को तक जिला नियोजनालय पाकुड़ कार्यालय परिसर में किया जा रहा है। रोजगार मेला में सम्मिलित नियोजनों ने उपस्थित रहने की सहमति प्रदान की है। तो इतना आप लोग का कंपनी आएगा, तो समझ लेते हैं कौन कौन सा कंपनी आएगा। तो देख पा रहे हो ये स्टॉल नंबर 1, मतलब समझ लो ये क्रम संख्या, समझ लो ये आप लोग का कंपनी का नाम हो गया। ये किस पोस्ट पे आपको रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसी, क्वालिफिकेशन क्या है, डिजायरेबल मेजर एक्स्ट्रा आप लोग के पास होगा तो अच्छी बात है, एक्सपीरियंस, एज, जॉब लोकेशन और सैलरी के बारे में बताया गया है। तो समझ लेते हैं। तो देखो जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया, 2 नंबर में ये आप लोग का कंपनी है। ठीक है, MS ग्राफिक इंटरप्राइज, इसमें पोस्ट है DTP ऑपरेटर और हेल्पर का, जिसमें दोनों में एक एक पोस्ट का है। और देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है, देखो इसमें 8 पास मांगा गया है। इसमें आप लोग का देखो फोटोशॉप डिजाइनिंग और कोई ये ऐप होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद डिजायरेबल में आप लोग का क्या, हिंदी इंग्लिश बांग्ला उर्दू या टाइपिंग नॉलेज आप लोग का होना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा में, ठीक है, नहीं तो ये सिर्फ होगा तो भी आप लोग दे सकते हो, ये सिर्फ आप जानते हो तो भी आप लोग काम हो जाएगा, ये आप लोग का एक्स्ट्रा में ज्यादा होगा तो आप लोग ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद मिनिमम एज की बात करें तो 18 वर्ष और जॉब लोकेशन आप लोग का पाकुड़ होगा। और पेमेंट आप लोग देख पा रहे हो कितना, 12,500 इसमें, और इसमें 5,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, इसके बाद सेम टू सेम आप लोग का ये दूसरा कंपनी आप लोग देख पा रहे हो, ब्रांच मैनेजर और लोन ऑफिसर का है। ठीक है, दोनों का 5 पोस्ट और इधर 20 पोस्ट पे है। ठीक है, इसमें देखो ग्रेजुएशन मांगा गया है, इसमें आप लोग का 12th मांगा गया है, इसमें कुछ नहीं मांगा गया। देखो उम्र की बात करें 22 से 28 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम 22 वर्ष होना चाहिए। झारखंड में ये कहाँ जॉब लोकेशन नहीं बताया गया है। पेमेंट की बात करें देखो 20 से 22 हज़ार और 12,000 से 18,000 तक के बीच मिल सकता है, यहाँ बताया गया। ठीक है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। अब देखो 4th नंबर आप देख लेते हैं, ये आप लोग का कंपनी है। ठीक है, सेवा सहयोग सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें इतना सारा पोस्ट है। देखो सिक्योरिटी गार्ड का 136 पोस्ट है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का 10 पोस्ट है, हाउस कीपिंग का 25 पोस्ट है, हाउस कीपिंग सुपरवाइजर का 5 पोस्ट है, एक ये पोस्ट है, 20 है, सिक्योरिटी ऑफिसर का 8 पोस्ट है, ऑफिस स्टाफ का 5 पोस्ट है, कुक का 4 पोस्ट है, सिक्योरिटी गार्ड एंड सिक्योरिटी सुपरवाइजर का टोटल 150 पोस्ट है। सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन आप लोग देख पा रहे हो, इसका 10th है, इसका ग्रेजुएशन है, इसका 10th है, इसका ग्रेजुएशन है, इसका 8th पास है, ग्रेजुएशन है, इसका ग्रेजुएशन है, 8th पास है, 10th एंड 12th है। ठीक है, देखो ये डिजायरेबल वाला है, ये देखो इसमें जो है क्या है, गनमैन है। ठीक है, इसमें 20 पोस्ट था तो गन एंड ऑल इंडिया लाइसेंस यदि होगा तो अच्छी बात है, ये डिजायरेबल में है। देखो एक्स सर्विसमैन होगा तो ये आप लोग डिजायरेबल में आ जाएगा। देखो यहाँ बाइक का लाइसेंस मांग रहा है, यहाँ कुकिंग एक्सपीरियंस मांग रहा है, यहाँ ओनली मेल जाएगा ये इसमें। ठीक है, तो आप लोग देख लेना आपके मुताबिक। देखो इसके बाद सेम टू सेम वही केस है, 18 से 45 वर्ष एज, यहाँ पे देखो 22 से 45 वर्ष सबका एज आप लोग देख लेना। और पेमेंट के बारे में देखो, यहाँ पे झारखंड, बंगाल या उड़ीसा में आप लोग का जॉब लोकेशन होगा। पेमेंट की बात करें देखो, यहाँ से 8,000 से 15,000, 9,000 से 17,000, देखो 7,000 से 12,000, 8,000 से 15,000, 20,000 प्लस, ये जो है 20,000 प्लस, अच्छा गन मेन जो है इसमें अच्छा बहुत पैसा मिलेगा, इसमें 12,000 से 18,000, इसमें 8,000 से 20,000, इसमें 7,000 से 12,000, यहाँ 12,000 से 18,000, ये सब आपको पेमेंट मिलेगा जो कि अच्छा खासा पेमेंट है। अब देखो बहुत सारा कंपनी आने वाला है, तो आपको बहुत ही अच्छा, आप लोग के पास मौका है, आप लोग जरूर चल जाए। ठीक है, देख पा रहे हो यहाँ पे, देख पा रहे हो आप लोग 6 नंबर है, देख पा रहे हो इतना सारा कंपनी है, देख पा रहे इसमें 10 पोस्ट है, इसमें 12th मांगा गया है, इसमें 10,000 से 15,000 और 20 से 28 मिलेगा आप लोग। ठीक है, फील्ड से एग्जीक्यूटिव 15 पोस्ट पे है, 12th पास है, बाइक कंपलसरी होगा, इसमें बाइक कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, 20 से 40 वर्ष और 15,000 से 20,000 रुपये पेमेंट मिलेगा। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर का 2 पोस्ट है जो कि 12th पास होना चाहिए। ठीक है, और 18 से 25 वर्ष और 10,000 से 12,000 मिलेगा। इसके बाद ड्राइवर, ITI, टेक्निकल, वाटर, कप्तानी, ये देखो इतना सारा पोस्ट है, बहुत सारा पोस्ट है, आप लोग अपने मतलब आके देखना, क्वालिफिकेशन देख रहा था, 12th 10th डिप्लोमा भी माना गया। ठीक है, अब देखो मैं और एक कंपनी बात कर लेता हूँ नीचे, परम स्किल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात कर ले रहा हूँ। इसमें देख पा रहे पोस्ट आप लोग का 3 तरह का पोस्ट आएगा, देख पा रहे आप लोग, नहीं नहीं ये पोस्ट नहीं। ठीक है, ये देखो परम स्किल कंपनी में तीन, मतलब तीन कंपनी शामिल है। ठीक है, इनोवा, रबर, ये देखो ये तीन कंपनी इसी के अंडर ये मतलब काम करेगा। और इसमें पोस्ट रहेगा ट्रेनर का 100 पोस्ट पे, ये मतलब तीन, देखो तीन कंपनी है, तीनों में 100 100 रहेगा। ठीक है, ट्रेनर ही में 100 100 रहेगा। और 10th 12th या ITI या डिप्लोमा या BTEC कुछ भी होगा तो आप लोग जा सकते हो, 18 से 35 वर्ष। और देखो एक है नासिक में, एक औरंगाबाद में, एक पुणे में, ये जॉब लोकेशन रहेगा। 19,000 तक आपको पेमेंट मिल सकता है, यहाँ पे देखो 22,000 तक पेमेंट मिलेगा, या 15,000 से 25,000 तक पेमेंट मिल सकता है। ठीक है, यहाँ बताया गया है। इस तरह से अब हम बात कर लेते हैं 8वां नंबर कंपनी का, देख पा रहे ये कंपनी है, इसमें आप लोग का देख पा 2 पोस्ट है, केस लॉकर्ड और टेक्नीशियन का। जिसमें बात करें
अच्छा ये 3 पोस्ट है, क्वालिटी इंस्पेक्टर का, जिसमें 65 पोस्ट है, 70 पोस्ट है, 75 पोस्ट है, इसमें 12th ITI मांग गया या बीटेक मांग गया या 10th 12th मांग गया, इसमें मेल मांग गया है। 18 से 35 वर्ष, 24 लोकेशन आप लोग का बैंगलोर पुणे वेस्ट बंगाल हो जाएगा, जिसमें 20,000, 16,000 और 11,000 पेमेंट आपको मिल सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें और एक कंपनी है, देख पा रहे आप लोग, ग्रामीण शिखा, ये देखो ये कंपनी है, ये देख पा रहे, ये भी हम लोग कंपनी, इसमें आप लोग 2 पोस्ट आएगा। ठीक है, Assembly 9 और CNC मशीन ऑपरेटर, जिसमें 100 100 पोस्ट पे है, इसमें 12th 12th ग्रेजुएशन, इसमें ITI डिप्लोमा आ गया है। 18 से 38 वर्ष होना चाहिए, अहमदाबाद होगा, यहाँ पे 14 से 16 हज़ार आपको मिलेगा। ठीक है, अब आगे यदि बात करें तो देख पा रही, इसमें और एक कंपनी आप लोग का दिख रहा होगा आप लोग को, इसमें आप लोग का GSA और असिस्टेंट चीफ का पोस्ट होगा। देखो अच्छा खासा पोस्ट है, 500 और इसमें 350 पोस्ट है, 8 पास आप लोग का होना चाहिए, 18 से 28 वर्ष और पटना, नहीं सॉरी पैन इंडिया, और 10,000 पेमेंट मिलेगा। और एक कंपनी है फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव पे, 100 पोस्ट है, 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, 18 से 34 वर्ष, कलकत्ता ये जॉब लोकेशन रहेगा, और 21,000 पेमेंट मिलेगा। इसके बाद और एक देख पा रहे हो, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का होगा, ये कंपनी है, 110 पोस्ट पे है, 12th पास होना चाहिए, 18 से 25 वर्ष, तमिलनाडु में, 12,000 पेमेंट मिलेगा। और एक आप लोगों का कंपनी है फिटर इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक में, 60 पोस्ट है, 10 पास होना चाहिए, डिप्लोमा 18 से 30 वर्ष, राजस्थान में, इतना आप लोगों को पेमेंट मिलेगा। अब देखो ये और एक कंपनी है, ये आप लोगों का पोस्ट रहेगा, इसमें देख पा रहे हो ये क्या है, तो 3 भागों में बचा हुआ है, 200 200 200 200 200, ये 4 भागों में बटा हुआ है, यहाँ पता नहीं कुछ तो बताया नहीं गया है, लेकिन इसमें 9th 9th पास और 10th पास बताया गया, 10th 12th ITI और मिनिमम 18 वर्ष, और ये कंपनी आप लोग यहाँ पे आप लोग जॉब लोकेशन होगा और ये आप लोग पेमेंट मिलेगा। एक आखिरी कंपनी है निपुण मल्टी सर्विसेज का, ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, 2 पोस्ट है, मशीन ऑपरेटर, असेंबली लाइन ऑपरेटर, दोनों में 200 200 पोस्ट है, अच्छा खासा पोस्ट है, 12th 12th होना चाहिए, 12th ITI होना चाहिए, ITI डिप्लोमा डिप्लोमा होना चाहिए, क्वालिफिकेशन 18 से 28 18 से 23 वर्ष, महाराष्ट्र में जॉब लोकेशन होगा आप लोग का, 13,000 16,000 पेमेंट मिलेगा, 16,000 आप लोग को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कौन कौन सा कंपनी आने वाला है। अब समझ लेते हैं आपको क्या क्या ले जाना है। देखो मेला में भाग लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को झारखंड के किसी भी योजनालय में निबंधित होना अनिवार्य है, यदि वो पूर्व से निबंधित ना हो तो रोजगार मेला में के पूर्व अपना निबंधित अपने स्थानीय योजनालय में निश्चित रूप से कर ले। आप स्वयं भी अपना निबंधन ये वेबसाइट यहाँ पे कर सकते हो। सभी आवेदनकर्ता अपना योजनालय का निबंधन कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, रिज्यूम, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड के साथ मेले में उपस्थित होंगे। रिक्तियां निजी संबंधित है, इसलिए रिक्त के शर्तों के लिए सीधे योजनालय उत्तरदायी है, विभाग एवं योजनालय मात्र सुविधा प्रदान करता है, करदाता के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को, मैं डिटेल में बता देता हूँ आप लोग को। देखो एक झारखंड में होता है योजनालय में रजिस्ट्रेशन, मतलब जिसको बोलते हैं एक्सचेंज कार्ड, मेरे चैनल में ऑलरेडी बना हुआ वीडियो आप लोग बना, मतलब ये बना लेना है, एक्सचेंज कार्ड बना के ही आप लोग को जाना है, क्योंकि एक्सचेंज कार्ड से बनाने जाओ, यदि 10 जन अप्लाई किया है और 4 जन के पास यदि एक्सचेंज कार्ड है तो वो लोग को ज़्यादा प्रिफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक्सचेंज कार्ड बहुत जरूरी है झारखंड में। ठीक है, ज़्यादा प्रिफरेंस आप लोग को दिया जाएगा, तो एक्सचेंज कार्ड बना ले, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस तरह से एक्सचेंज कार्ड बनता है, मेरे चैनल में ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या क्या ले जाना है, समझ लो, देखो बहुत सारा कंपनी आ रहा है, देख पा रहे 16 कंपनी कम से कम आ रहा है, तो यदि आप लोग 10 पास किए होंगे या 12th पास आप लोग होंगे या आप लोग ग्रेजुएशन होंगे, ठीक है, या आप लोग ITI किए होंगे, तो आप लोग ये चारों चीज का क्या ले लेना है, मार्कशीट ले लेना और जेरक्स लेना, ओरिजिनल ले लेना। ठीक है, खो जाने का रिस्क रहता है, तो आप लोग मार्कशीट और आप लोग का सॉरी जेरक्स ले लेना, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आपको 10th का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट, ITI का भी मार्कशीट सर्टिफिकेट ले लेना होगा तो। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या क्या ले लेना है, क्योंकि बहुत सारा कंपनी आ रहा था, आपको रिज्यूम तो बना लेना है, और 16 कंपनी है तो कम से कम 5 6 रिज्यूम तो रखना ही चाहिए आपको। ठीक है, जो आप लोग जहाँ अच्छा लगे आपको डाल देना है। ठीक है, इसके अलावा फोटो बोला गया है, आधार कार्ड आपको ले लेना है, बैंक पासबुक भी आपको ले लेना है, बैंक पासबुक भी आपको ले लेना है। इसके अलावा आप लोग और क्या ले सकते हो, इसके बाद आप लोग आधार कार्ड, बैंक पासबुक ले लेना है, एक्सचेंज कार्ड तो बना लेना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग बस इतना चीज आप लोग ले लेना है। ठीक है, टोटल जितना चीज लोगे जेरॉक्स ले लेना है आप लोग का, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दूर जाना है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।